हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। सेफ और अनसेफ डिवाइस पे हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारी वीडियो लिस्ट या फिर प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि क्या सेफ डेज में अगर अंदर ही बिना प्रोटेक्शन के डिस्चार्ज हो गए तो क्या प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो आज हम इसको समझते हैं। चलिए चार्ट पर देख लेते हैं और वहां पर इसको अच्छे से क्लियर करते हैं। तो व्यूअर्स, यहां हम इस चार्ट से ये समझेंगे कि जो सेफ डे हैं हमारे, उनमें अगर हमने कंडम यूज नहीं किया है और अंदर ही डिस्चार्ज हो गए हैं तो क्या प्रेगनेंसी कंसीव होगी या नहीं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सेफ डेज हमारे कौन से हैं। सेफ डे हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो शुरू के हमारे दिन हैं, जिन दिनों में ब्लीडिंग होती है, ये लगभग 5 दिन मान के चलिए, तो कम बढ़ भी हो सकते हैं लेकिन ऑलमोस्ट हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि 5 दिन ये ब्लीडिंग के हो गए। और उसके बाद अगर किसी का 28 दिन का पीरियड है, उस स्थिति में जो हमारे ये दिन होंगे यहाँ से लेके ये 9वां दिन तक, और ये हम यहाँ से भी छोड़ देंगे, यहाँ से 20वें दिन से हम लेकर चलेंगे कि 20वें दिन से लेकर हमारे ये दिन, ये जो हमारे 28 दिन तक, यानी एक जो चक्र है पूरा किसी भी महिला में, जो पहले 3 दिन जो ब्लीडिंग होती है या 5 दिन ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ये लगभग एक चलते चलते फिर 28 दिन जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद फिर एक नया पीरियड शुरू होता है जिसमें फिर 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग होती है। उस कंसर्न में आप इसको समझिए, उसमें ये जो मैंने लाइन खींची है ये आपके सेफ डे हुए, ठीक। इन दिनों में अगर आप अंदर ही डिस्चार्ज हो जाते हैं किसी भी महिला के और आपने कंडम यूज नहीं किया है, इन दिनों में भी अगर आप किसी भी दिन अंदर डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपने कंडम यूज नहीं किया है तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो ओवुलेशन डे होता है, अगर 28 दिन का चक्र है किसी का तो ओवुलेशन डे 14वें दिन होता है, ये एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है, उस स्थिति में भी 10th डेज से ये अनसेफ हो जाता है हमारा दिन, क्योंकि स्पर्म की लाइफ 3 दिन की होती है तो वो फिर वहाँ तक पहुँच जाएगा और फिर प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस रहते हैं। और अगर ये 15वें दिन भी हो गया, ये ओवुलेशन डे 15वें दिन आ गया, तब भी हमारे पास ऑलमोस्ट 4 दिन का यहाँ पर मार्जिन है। तो इसलिए ये जो हमारे सेफ डे हैं ये, और ये हमारे सेफ डे हैं, अगर आप इसमें प्रोटेक्शन यूज नहीं करते हैं यानी कंडम यूज नहीं करते हैं और अंदर ही डिस्चार्ज हो जाते हैं तो ऐसे में प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। लेकिन इसमें एक चीज जरूर है, अगर पार्टनर आपका अनजान है, आप उसको नहीं जानते हैं और आप उससे मिल रहे हैं, तो वहां थोड़ा एचआईवी का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ऐसे में बीमारियां भी होने का खतरा रहता है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में जरूर रखें। आई थिंक आपका ये डाउट भी आज क्लियर हो गया होगा कि सेफ डेज में अगर हम अपने पार्टनर से मिलते हैं तो क्या प्रेगनेंसी होगी या नहीं जिसमें हमने प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है। अगर अभी भी आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, सी यू एंड बाय।